माँ शारदे को नमन। आज हमें क्या चल रहा है? कार्बन प्रतिरोध अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन प्रतिरोध आर द रेजिस्टर्स, ऐसे प्रतिरोध होते हैं विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिनका हम उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में करते हैं। मीन्स ऐसे सर्किट्स में करते हैं जहां पर हमारी जो करंट होती है उसमें अगर हम एक करंट की लो वैल्यू की रिक्वायरमेंट जो है कम मान की आवश्यकता है या करंट की ज्यादा मान की आवश्यकता है तो हम इन कार्बन प्रतिरोधों का वहां पर प्रयोग करेंगे। एक छोटे मान से लेकर के एक छोटे ओम से लेकर के ये मेगा ओम तक के होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है काफी ऊंची होती है, इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दैट इज द हाई। अब ये जो बेलनाकार जो रेजिस्टेंस हो गए, जो बेलनाकार हमारे प्रतिरोध हो गए, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, उनके मान कितने होंगे, तो इसको देखने के लिए, इसको पॉइंट आउट करने के लिए, जो इस बेलनाकार जो होता है, जो सिलिंड्रिकल होता है कार्बन रजिस्टर, उस पर कुछ स्ट्रिप्स बना देते, कुछ पट्टियां बना देते, कुछ रंगीन पट्टियां, तीन पट्टियां बहुत इसेंशियल होती हैं, कंपल्सरी पट्टियां होती हैं। कंपल्सरी का मतलब उनकी प्रेजेंस होना आवश्यक है, लेफ्ट साइड में होगी, जैसे हमने अपने फिगर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध को रिप्रेजेंट किया है, उसमें पट्टी ए लिखी हुई है, पट्टी बी लिखी हुई है, पट्टी सी लिखी हुई है, ये लेफ्ट साइड में है, तो इनकी प्रेजेंस आवश्यक है, आवश्यक से तीनों पट्टियां होंगी और डिफरेंट कलर्स की होती है, किट कलर्स की होती है, उसको अभी आपको पॉइंट आउट करेंगे, कलर्स को बताएंगे, उनके कलर के कोड क्या होंगे वो भी आपको टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे अभी। और एक चौथी पट्टी डी, कैपिटल डी, इस पर हो भी सकती है और नहीं भी, उसकी प्रेजेंस 100% नहीं होती, लेकिन पट्टी ए, पट्टी बी और पट्टी सी, इनकी प्रेजेंस 100% है। हमारी पट्टियां किस कलर की होती हैं पहले हमको कलर देख लेते हैं, और कलर को देख करके हमारी स्ट्रिप, इन पट्टी को हमें स्ट्रिप बोलेंगे, हमारी स्ट्रिप ए किस कलर की है, स्ट्रिप बी हमारी किस कलर की है, स्ट्रिप सी हमारी किस कलर की है और डी स्ट्रिप का क्या कलर है, तो इन कलर को देख करके हम कार्बन जो प्रतिरोध की वैल्यू का हम आकलन करेंगे। वी विल कैलकुलेट, वी विल पॉइंट आउट द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर। अब इन पट्टियों के कलर्स क्या हो सकते हैं और उन कलर्स का कोड क्या होगा, मतलब किस कलर को हमने क्या नंबर दिया है उसे बोलते हैं कलर कोड, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन से कलर हो सकते हैं पहले हम देख सकते हैं, यहां पर ब्लैक कलर हो सकता है पट्टी का, ब्राउन कलर हो सकता है, रेड कलर की पट्टी हो सकती है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू कलर, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ये 10 कलर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 कलर में भी कोई भी कलर की पट्टी ए हो सकती है, किसी कलर की पट्टी बी हो सकती है और किसी भी कलर की पट्टी सी हो सकती है, इन सभी 10 कलर्स में से। अब इस ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, इन कलर्स की क्या क्या नंबरिंग होगी, किस कलर का क्या कोड होगा उसके सामने लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का जिन्होंने कोड लिखा है कलर कोड 0, ब्राउन कलर का कोड है 1, रेड कलर का कोड है 2, ऑरेंज कलर का कोड है 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 एंड व्हाइट का 9। अब इन कलर्स के कोडों को हम कैसे ध्यान रखें, हमें कैसे ध्यान रहे कि ऑरेंज कलर का जो कोड होगा वो 3 होगा,
या रेड कलर का जो कोट होगा वो टू होगा, इस स्वाद को हम कैसे ध्यान रखें? क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमें कलर तो दिए हैं, जैसे आपको पेपर दे दिया, उसमें कार्बन रजिस्टर दे दिया, उसमें स्ट्रिप ए का कलर आपको दे दिया, स्ट्रिप बी का कलर दे दिया, स्ट्रिप सी का कलर दे दिया, और उस कलर को देख करके हम उनकी कोड कैसे ध्यान रखें? तो एक सिंपल से एक कोड बना है, एक सेंटेंस बनाया गया है, और वो सेंटेंस है, एक है मिस्टर बीबी रॉय, बीबी रॉय, रॉय कास्ट हुआ करती है, कोई है मिस्टर बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। इस सेंटेंस का ऑर्डर से ध्यान रखें, बीबी रॉय, आर ओ वाई रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। इस ऑर्डर को तो हम याद रख सकते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। हमारा जो पहला वाला बी होगा ये ब्लैक कलर के लिए है, मीन्स ब्लैक कलर सबसे टॉप पर आएगा, उसकी वैल्यू होगी जीरो। जो सेकंड बी है वो ब्राउन के लिए होगा, ये रेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑरेंज के लिए होगा, ये येलो के लिए होगा, ये ग्रीन के लिए होगा। देखो जी दो जगह है, एक ये जी है, एक गुड में जी लगा हुआ है, तो पहला जो ग्रेट का होगा पहले ऑर्डर पे आएगा ग्रीन, और बाद में जो जी आएगा ग्रीन, तो ग्रेट का ग्रीन हो गया, ये ब्लू होगा। बी तीन जगह है, सबसे पहले बी है जो ब्लैक के लिए होगा, दूसरे नंबर पे जो बी होगा वो ब्राउन के लिए होगा, यहां का जो बी है वो ब्लू के लिए है, फिर ये वायलेट होगा, ये ग्रे होगा, एक जी है ऊपर वो ग्रीन के लिए है, ये जो जी है वो ग्रे के लिए है, और फिर ये व्हाइट, वाइफ डब्लू वाइफ का हो गया ये व्हाइट, तो ये व्हाइट कलर। तो ऑर्डर फिर हम देख लेते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा यो क्लोज कर देंगे, थोड़ा ढक लें, तो देखो ये हमारा ब्लैक होगा, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इस ब्लैक कलर के जो हमारा कलर कोड होगा वो जीरो होगा, ब्राउन के लिए वन होगा, रेड के लिए टू होगा, ऑरेंज के लिए थ्री होगा, येलो के लिए फोर होगा, ग्रीन के लिए फाइव, इस ब्लू के लिए सिक्स, वायलेट के लिए सेवन, ग्रे के लिए एट और व्हाइट के लिए नाइन। तो ये हमारा कलर कोड है। इस कलर कोड को हम ध्यान रखते हुए हम किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले कुछ और जानना जरूरी है। हमने स्ट्रिप ए के कलर को लिखा है, स्ट्रिप बी के कलर को लिखा है, स्ट्रिप सी के कलर को लिखा हुआ है। स्ट्रिप सी का एक डिफरेंट कलर और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्ट्रिप सी हमारे गोल्डन कलर का भी हो सकती है, स्ट्रिप सी हमारे सिल्वर कलर की भी हो सकती है। ये एक डिफरेंट कलर से जो दी हुई है, जो हमारी स्ट्रिप ए होगी, स्ट्रिप बी होगी, वो तो हमारे 10 कलर में होगी, ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक। इसमें हमारा स्ट्रिप सी का भी कलर होगा, लेकिन कभी कभी सी का कलर इनमें से न दे करके या तो गोल्डन कलर की दी होती है या वो सिल्वर कलर की दी होती है। उस कंडीशन में इसका जो कलर कोड होगा, गोल्डन के लिए होता माइनस का वन, सिल्वर के लिए होता माइनस का टू। अब हमारी एक स्ट्रिप डी और रह गई है, जो थोड़ा सा स्पेस लेके हम इसे बनाते हैं कार्बन रजिस्टर पर, उस पर मतलब स्ट्रिप जो होती है थोड़ा राइट साइड में बनी होती है। इस स्ट्रिप का जो कलर होगा, उस कलर की जो वैल्यू होगी, एक तो वो परसेंटेज में लिखी होगी, 5%, 10%, 20% अभी आपको बताएंगे, और कार्बन के रजिस्टर के टॉलरेंस पावर को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी सहन क्षमता को रिप्रेजेंट करेगी। ये दो कलर की हो सकती है, या तो सिल्वर कलर की होगी या एक गोल्डन कलर की होगी। अगर स्ट्रिप डी हमारे गोल्डन कलर की है तो उसकी टॉलरेंस पावर 5% लेके चलेंगे प्लस माइनस में, टॉलरेंस पावर का वैल्यूएशन। और अगर स्ट्रिप डी हमारे सिल्वर कलर की है तो उसकी टॉलरेंस पावर हम प्लस माइनस में 10% लेके चलेंगे। और अगर कोई स्ट्रिप नहीं है, न तो वो गोल्डन है, न वो सिल्वर है ही नहीं, तो टॉलरेंस पावर को प्लस माइनस 20% कंसीडर करें।
एस ट्यूब डी के लिए विच इज रिप्रेजेंट टू द टॉलरेंस ऑफ द रजिस्टर। अब किसी भी कार्य प्रतिरोध का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, कॉमन सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वे टू राइट क्या फॉर्मूला लगता है, वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर, फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ए बी ए टू टेन की पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट, इट इज द फॉर्मूला, वे टू राइट ए बी मीन्स हमारा ए बी जो होगा दो अंकों की एक संख्या हो गई, जिसमें बी होगा हमारा इकाई का अंक होगा, ये ढाई का अंक होगा, ये यूनिट प्लेस की डिजिट होगी, ये टेंथ प्लेस की डिजिट होगी, और जो सी होगा वो टेन की पावर में लिखा जाएगा एक्सपोनेंट में, दस का गुणक कह सकते हैं, और प्लस माइनस करके जो डी होगा वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हमारी पहली स्ट्रिप होगी उसका जो कलर कोड होगा वो इस ढाई के अंक पे लिखा जाएगा, पहले नंबर पे लिखा जाएगा, जो स्टेप बी होगी उसका जो कलर कोड होगा वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, जो स्टेप सी होगी उसका कलर कोड 10 की पावर में लिखा जाएगा, और जो स्टेप डी होगी उसको हम प्लस माइनस में परसेंटेज में हम लिखेंगे, जितने परसेंट होगा प्लस माइनस या तो 5% होगा या प्लस माइनस 10% होगा या प्लस माइनस 20% होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस फॉर्म को ध्यान रखते हुए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम सभी स्ट्रिप के कलर को कंसीडर करके चलेंगे, उन कलर से हम कलर कोड लिखेंगे और वैल्यू को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, लेट हमारी जो स्ट्रिप है स्ट्रिप ए इट इज द ब्लू कलर, हमने लेट कर लिया, दिया हुआ है ब्लू कलर, स्ट्रिप बी इट इज द ऑरेंज, ऑरेंज कलर, स्ट्रिप सी इट इज द येलो कलर, एंड स्ट्रिप डी इट इज द गोल्डन। इन सभी कलर को लेकर के सब हम कलर्स दिए हुए हैं पेपर में, आपको कलर दिए होते, स्ट्रिप ए का कलर दिया होता है, स्ट्रिप बी का कलर दिया होता है, सी स्ट्रिप का कलर दिया होता है, और जो डी स्ट्रिप होगी उसका भी कलर हमें दिया होगा। Okay, we have to calculate the value of the carbon register. तो हम जो कलर्स दिए हुए कलर को देख करके सबसे पहले कलर कोड लिखेंगे। स्ट्रिप ए जो हमारा ब्लू कलर का है, स्ट्रिप ए ब्लू कलर का, जरा कलर कोड देखो, ब्लू के लिए हमारा है 6, तो स्ट्रिप ए का जो कलर कोड होगा वो 6 हो गया, ऑरेंज के लिए हमारा कलर कोड है 3, येलो के लिए कलर कोड है हमारा 4, और गोल्डन के लिए हमारा जो टॉलरेंस पावर है 15%। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारा बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये डी की वैल्यू है। तो यहां से हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले ए की वैल्यू करेंगे ए बी, तो ए के प्लेस पर 6 हो गया, बी के प्लेस पर हमारा 3 हो गया, 63 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5% इज द आंसर, ये हो गया 63, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 63 हो गया इंटू 10 की पावर 4 और प्लस माइनस 5% इट इज द वैल्यू ऑफ द कार्बन रजिस्टर, सिंपल सा है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट इसको रफ कर दें, लेट स्ट्रिप जो है स्ट्रिप बी इट इज द ब्राउन कलर, स्ट्रिप ए पहले स्ट्रिप ए ब्राउन कलर, स्ट्रिप बी पहले सबसे पहले स्ट्रिप ए का कलर लिखा होगा, फिर स्ट्रिप बी का कलर लिखा होगा, फिर स्ट्रिप सी का, और लास्ट स्ट्रिप डी का, स्ट्रिप बी इट इज द ब्लैक कलर, स्ट्रिप सी इट इज द रेड, स्ट्रिप डी नो स्ट्रिप, स्ट्रिप है ही नहीं, कोई पट्टी नहीं है। अब हमें वैल्यू बतानी है, तो देखो ए की वैल्यू ब्राउन कलर के लिए तो हमारी 1 हो गई, ब्राउन के लिए 1 है, ब्लैक के लिए हमारा 0 हो गया, रेड के लिए 2 हो गया, स्ट्रिप नहीं है तो टॉलरेंस पावर होगी प्लस माइनस 20%। यहां से हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये हो जाएगा
सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, 10 इनटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 20%। आंसर ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये तो उस कंडीशन है जब आपको स्टेप के कलर दे दिए और आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कभी कभी इसका ऑर्डर जो है रिवर्स दिया होता है, कभी आपको जैसे वैल्यू दे दी कि कार्बन दो का मान दे दिया, और आपसे फाइंड द कलर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेप, विभिन्न स्टेपों के रंग बताइए। फॉर एग्जांपल जैसे यू दे दे, जैसे वैल्यू दे दी कार्बन दो की, 23 × 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। फाइंड द कलर्स ऑफ ऑल द स्ट्रिप, सभी स्ट्रिप के कलर बताने हैं। तो देखो हमारी स्ट्रिप ए होगी, ये 2 है, तो 2 के लिए हमारा होगा रेड, स्ट्रिप ए होगी रेड कलर की। ओके, हमारा जो 3 है, स्ट्रिप बी है, 3 कलर है हमारा ऑरेंज के लिए, स्ट्रिप बी होगी हमारा ऑरेंज। ये 4 स्ट्रिप सी के लिए है, ये हमारी 4 बैल है येलो, तो स्ट्रिप सी होगी येलो कलर की। और 5% है, 5% हमारा होता है गोल्डन के लिए, तो स्ट्रिप डी होगी हमारी गोल्डन। हम कलर से पॉइंट आउट कर सकते हैं, स्ट्रिप ए रेड कलर हो गया, स्ट्रिप बी ऑरेंज कलर हो गया, स्ट्रिप सी हमारा येलो कलर हो गया, स्ट्रिप डी हमारी गोल्डन हो। तो हम किसी भी ऑर्डर में दिया जाए, चाहे तो हमें कलर दे दें तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, या हमको वैल्यू दे दें कलर्स को कैलकुलेट करें, कर सकते हैं। तो दिस वाज द एरर ऑफ द कैलकुलेशन। थैंक्स अ लॉट।